दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं इस पढ़िया के बारे में, और इसका एक खासियत और है कि आगे पीछे दोनों पैर मारती है और याई करने नहीं देती है। देखिए दोनों तरफ है, किसी तरह पकड़ कर प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह इसको याई किया जाए। दोस्तों हम बताना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी कठिन समस्या ये है कि पीछे जो है पैर मार रही है सीने के तरफ भी, किसी तरह सीमन डाल के इसको रोकने का प्रयास, क्योंकि भैंसा से भी क्रॉस हो चुकी है और इसको बहुत ज़रूरी हो गया है कि प्रेग्नेंट करना। आज दोस्तों इंजेक्शन वगैरह लगाया गया है और अभी तक तो यहाँ बहुत ऐसे जानवर थी जो नहीं रुक रही थी, उसको हमारे द्वारा रोका गया है और उन्हीं लोगों द्वारा आज हमको यहाँ पर बुलाया गया है कि डॉक्टर साहब इसको भी आप किसी तरह प्रेग्नेंट कराइए। और हम आज यहाँ उदेश पासवान यहाँ आया हूँ। हम देखिए एक ये भैंसा भी रखे हैं जो आगे से ठड़े हैं, भैंसे से भी नहीं रुकी, क्योंकि हमको जहाँ तक उम्मीद है कि इसको हम इस बार रोक लेंगे और ज़्यादा ही अनुमानित हमको चांस लग रहा है कि इस बार हम इसको रोक लेंगे। पहले लोग सीमन इसको डाले हैं, अदर पेटिशनर जो हैं पैराबेट जो सक्सेसफुल नहीं उन लोगों को मिला है, तो इनके बगल द्वारा हमको सूचना मिली कि डॉक्टर साहब इसको आप इस पढ़िया को रोकिए, नहीं तो इसको अधिकतर लोग कटिंग के लिए भेज देते हैं कि नहीं हम इनको किसी तरह रोका गया है कि मतलब नहीं हम इसको प्रयास करके रोक दे रहे हैं। भाई सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका पैरों की पैर देखिए दोस्तों पीछे की तरफ मार रही है और इसको मैं अपने द्वारा आर्टिफिशियल इंसुलेशन करके अनुमानित 70-80% चांसेस है इसको हम रोक लेंगे। और दोस्तों इनके बगल भी एक ऐसी पढ़िया थी जो है कि सालों साल नहीं रुकी, अदरवाइज लोग कई लोगों प्रयास किए थे, ये हम जो है कि प्रयास करके उसको एक से दूसरे बार में ही रोक दिए। दोस्तों आप सेवा का मौका देंगे तो हम अधिकतर जानवर कंसीव कराने के लिए आपका सेवा